आज मैं पहुंची हूं अपनी माँ के दरबार में। 1 साल पहले ही मैंने माँ से प्रार्थना करी थी, जल्दी से जल्दी माँ मुझे बुलाना। आज माँ ने मुझे अपने दरबार में बुला दिया। पंडित जी ने बहुत अच्छी पूजा करा दी, बहुत अच्छा माँ का दर्शन। मित्रों, जिनको भी कोट भ्रामरी, मैं भजन में भी गाती हूँ कोटे की मैया करके। अभी मुझे थोड़ा टाइम, गाड़ी आ गई वहां पर, मैं माँ के दर्शन सभी भक्तों को। आपके डोंगोली से ऊपर कोट भ्रामरी का मंदिर है, बहुत सुंदर, माँ के दर्शन। माँ साक्षात देवी है। 1 साल पहले मैंने माँ से प्रार्थना करके, माँ ने मुझे अपने दरबार में बुला लिया। आप लोग आइए, यहाँ दर्शन कीजिए। इधर देखिए आप, सारा माँ का आशीर्वाद। ये देखिए, इधर मेरी मैया, आप देख लीजिए, मैं माँ के दरबार में अभी हूँ यहाँ पे, कोट भ्रामरी देवी मैया के। तो सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण हो। जगराधि पंडित जी, आपको मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। आपने बहुत अच्छी, बस बस आपका आशीर्वाद। माँ को मेरी चुनरी में इतने प्यार से लाई थी, मैंने कहा भीड़ होगी, पंडित जी ने चुनरी पहना दी माँ को। बहुत खुशी, मेरा मन प्रसन्न है। माँ जल्दी से फिर मेरी माँ दर्शन के लिए बुलाएगी मुझे। बहुत अच्छा, माँ तेरी सदा ही जय जयकार हो। तो सभी यहाँ पर, सभी चाची ताई दीदी लोग हमारे जो भी हैं, सभी मंदिर आए हैं, सभी दर्शन करने आए हैं यहाँ पे। तुम चलो वहाँ पर, गाड़ी आ गई, हाँ आप निकलते रहो। इधर माँ का मैं पूरा दर्शन आपको करा रही हूँ। इधर से हिमालय दर्शन भी होते हैं माँ, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों में। अभी इतना टाइम ही नहीं है, नहीं तो मैं बहुत सारा गा देती अभी। ऊंचा ऊंचा पहाड़ों माँ शिव की जटाऊ माँ, डांस ही दिखा दो। तू रे चे मैया, तू रे चे, तू रे चे मैया, तू रे चे। ऊंचा ऊंचा पहाड़ों माँ शिव की जटाऊ माँ, तू रे चे मैया, तू रे चे, तू रे चे मैया, तू रे चे। हरिद्वार में जाके मैया मन स्वरूप धारणी, हरिद्वार में जाके मैया मन स्वरूप धारणी, मन स्वरूप धारणी माँ सारा जग तारणी। हरिद्वार की मोड़ू माँ शिव की जटाऊ माँ, तू रे चे मैया, तू रे चे। तो मैंने सारे ये दीदी लोगों से मुलाकात हो गई। इधर इनका गरुड़ बागेश्वर जो भी जगह है मुझे उतना पता नहीं है, सारा यहाँ का इतना बढ़िया नजारा, माँ की शक्ति। ऐसी जगह में ही माँ का मंदिर होता है। माँ बिल्कुल ऊंचे हिमालय में माँ बसी है। देखिए आपको सीधे मैं हिमालय दर्शन करा रही हूँ। सामने बर्फ पड़ी है, आप देखिए, हिमालय दर्शन करा रही हूँ। बहुत सुंदर माँ का दरबार यहाँ, बहुत सुंदर लग रहा। सभी देवियों की मैंने भी फोटो खींच ली, और आप भी उनके साथ बैठ जाओ, मेरे उसमें भी आ जाओगे बिल्कुल जी। हाँ बिल्कुल, एक साथ आ जाएंगे आप। कहाँ मिलती हैं 9 देवियां? 7 देवियां हैं आप यहाँ पर, बहुत अच्छा। 8वीं मैं हो गई, 9वीं उधर बैठी हैं। बहुत सुंदर, बिल्कुल बिल्कुल। ये हमारी सारी चाची ताई दीदी सब हमारे, ये सब आए हैं कोटा मंदिर पूजा करके, सब लोग जा रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, आज इन लोगों से यहाँ पर मुलाकात हुई। तो सभी को मेरा पहला सुहा, सबों को प्रणाम। हम जानू फिर कभी मुलाकात होगी, इसमें तो जरूर दिखाई दूंगी, तो जरूर कमेंट करिएगा, ठीक है? सभी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। आप लोगों को जल्दी से फिर दर्शन होंगे। फिर हमारी अम्मा लोग दादी लोग सब सीढ़ी में धीरे धीरे चल रहे, जल्दी पहुंच जाओगे। ये देखिए झोला भर भर के पंडित जी के लिए, हमें तो पता ही नहीं है। माँ का महीना है। इधर कोट भ्रामरी मंदिर आप देखिए, माँ के दर्शन हो गए हैं। बहुत अच्छा लगा यहाँ। मेरी बेटी ने कहा था, रिंकी तू मेरी आवाज सुन रही, बेटी तू ही है ये मेरे को यहाँ बुलाने वाली। मौसी कोट भ्रामरी मंदिर आजा, दर्शन कर ले मौसी, आजा। मौसी दर्शन करके चले भी गई। बेटी तेरे को भी मेरा कोटि कोटि धन्यवाद, तू ही है जो तूने बताया था कि कोट भ्रामरी माँ की इतनी शक्ति होती है करके। तो बेटी तेरे को भी मेरा कोटि कोटि धन्यवाद। बहुत सुंदर। इधर हमारे पंडित जी की दुकान है। ये कहाँ चले गए पंडित जी? चलिए खुश रहो आप। 50
50 खुले हैं। अब 50 तो खुले नहीं, चलो अब इतना सामान लिया है मान जाओ, क्या पता माने ही आदेश दिया सामान ज्यादा लिया तो फिर आऊंगी। ठीक है, ये भी माँ का ही वो होता है, नहीं तो उसी समय खुले मिल जाते ना। अब माता रानी की खोट अंकल जी, अगली बार आपकी दुकान की बारी पक्का, मैं बना रही हूँ ये, उधर अंकल जी के पास भी जरूर जाएंगे अंकल जी, अब एक ही जगह से लिया जाता है ना। ठीक है, सभी को आपको हम लोगों का प्रणाम, इधर बहुत अच्छा है मंदिर के दर्शन।